मेरे वालों सारे नु सत श्री अकाल ते साडे चैनल ते सारे दा स्वागत है। ते हर रोज दी तरह अज असीं बनावांगे डोसा। ते मार्केट सैर बंद होण दे कारण घरां दे विच असीं बैठे हां ते कोई ना कोई खाण नु मन करदा ते कोई ना कोई तरीके दे नाल आपां वधिया तो वधिया डिश बना सकते हैं अपने घर के अंदर। ते तुसीं वी जाणदे हो ते काफ़ी दिनों तो आपां डिश बना रहे हैं ते तुहाडे नाल वी शेयर कर रहे हैं। तो बहुत कमेंट आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वधिया चीज़ चलो बना रहे हो तो गल्लां बातां भी तुहाडे नाल असीं करदे हां सांझियां। तो करोना नूं लैके अज तुहानूं दस दिंदे हां कि बहुत ज़्यादा मंदा हाल हो चुका है पंजाब दे विच ते पटियाले दे विच भी काफ़ी केस आ रहे हैं ते लोकी बड़े बेपरवाह हो चुके ने। तो बिल्कुल भी किसी नूं कोई टेंशन नहीं है कि बीमारी है जां एक कोई तूफान है जां कोई भूचाल आ गया है, पर कोई जिस नूं प्रॉब्लम हुंदी है वह ही महसूस करता है। तो जिस नूं कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वह सोचता है भी ये तो एक अफवाह है तो कोई बीमारी नहीं है। तो चलो जी आपां हुण चलते हैं किचन के अंदर। तो हुण आपां तुहानूं देसी तरीके दे नाल सिंपल तरीके दे नाल ते अपना टाइम पास करना है ते नाले आपां तुहानूं हुण दिखाउने आ डोसा ते असी किदां बनाउने आ। चलो जी आपां हुण चलते हैं किचन के अंदर। दाल ते चावल बराबर मात्रा दे विच लो ते उसनूं 5-6 घंटे भिओ के रख देवो। तो भिओ के रखन तो बाद च ते पानी है जो उसनों अलग कर देवो ते मिक्सी दे जार दे विच पा के उसनों ग्रैंडर करो। चंगी तरह उसका पेस्ट बनाओ। तो पेस्ट बनाने तो बाद एक बड़े बर्तन दे विच जा फिर किसी पैन दे विच हाँ जी पा के तुसी उसनों चंगी तरह कड़छी दे नाल हिलाओ। ते हिलाउन तो बाद उसनों 5-10 मिनट छड़ देवो ता कि जो उसका घोल है बिल्कुल सैट हो जाए। तो पानी भी उसके मिलाना है तो थोड़ा पेस्ट मतलब जो रखना है देखो जी आपने बना लिया पेस्ट। तो इस करके तुहानू असीं ने पूरा पीस के जा प्यों के जो भी रैसपी सी पूरी नहीं दिखाई क्योंकि जो अगर असीं इन्ना तुहानू दिखाते तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जानी सी। तो इन्नी वीडियो लंबी तो कौन देखता है तो नॉर्मली तो नाले चलो साढ़े दर्शन हो जाएंगे तो नाले तुहानू असीं रैसपी बारे दस दें जी। तो ये असी जो घोल तैयार हो गया है तो इसनों चंगी तरह कड़छी दे नाल हिलाते रहो। तो इसका कलर वाइट हुंदा है तुसीं सारे नूं पता ही है, पर असी इस दे विच थोड़ा जो मसाले है मिलाए ने ते क्योंकि जो वाइट हुंदा है उसका टेस्ट बिल्कुल नहीं हुंदा ते थोड़ा नॉर्मल इसका जो मसाले पाउण नाल थोड़ा भी टेस्ट होना चाहिए। तो इसनों आप जो सब्जी भर के जो आलू की सब्जी आप बनाने आलू मसाला तो उस तो बिना भी आप अगर उदा खाना हो स्नैक्स तौर पर खा सकते हैं। तो अगर अपना आलू मसाला दे नाल खाना है तो आलू मसाला दे नाल खा सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपने हुण लॉकडाउन चल रहा है कि आलू मसाला सारिया चीज़ा तैयार कर दिया ने। अगर घर के आपने कोई भी किसी भी प्रकार की सुकी सब्जी बनाई है तो वह सुकी सब्जी आप डोसे दे विच पा के ते नाल आपां तुसीं सॉस भी लै सकते हो जां एनीवे कोई भी पुदीना हरा धनिया तुसीं चटनी बना सकते हो जिदा भी तुहानूं वधिया लगता है जिदा तुसीं खुश हो खुश हो तो अपना मन खुश करना किसी ना किसी तरीके नाल जी। तो बाकी हुण आपां गल्लां बातां हो चुकियां ने बहुत ते हुण आपां पहुंचदे हां जी डोसा बना के तुहानूं दिखाउंदे हां। लो जी हुण असीं डोसा लग्गे आ बनाउण। हाँ जी इह तवा हो चुक्या गर्म ते आपां इस दे उपर थोड़ा लगावांगे तेल। हाँ जी ते तेल गर्म हो जाएगा ते ते लो जी आपां जो हुण डोसे वास्ते पेस्ट बनाया है ते इसनों एक कड़छी दे विच लै के तवे दे उपर पावांगे ते इसनों अपना
करती दे नाल कमांदे रहो। इसनों जिन्ना तुसी वड्डा कर सकते हो उन्ना कर सकते हो, कोई जरूरी भी नहीं है कि अपने ज़्यादा भी ज़्यादा वड्डा साइज बनाना है। लो जी थोड़े इसनों थोड़ा सेक लगन देवांगे आपां। हाँ जी हुण डोसा अपना तैयार हो रहा है। ते आपां सरसों का तेल इस दे जो किनारे ने इन्हां दे साइडां दे उपर थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का तेल आपां लगावांगे। इस दे उपर भी आपां तेल लगा सकते हैं। बाकी तुसीं जाणदे ही हो कि जदों भी आपां कोई भी एनीवे जां कोई भी पहली वारी चीज़ बनाउने आ तां थोड़ा उस विच डिफरेंट हुंदा है, क्योंकि जदों पहली वारी कोई भी चीज़ बनाउने आ तुहानूं भी पता ही है कि वो वधिया तरीके दे नाल नहीं बनदी, पर अपना जो कॉन्फिडेंस कदे छड्डना नहीं चाहीदा, अपने आप नूं कदे कमज़ोर नहीं समझना। कोई गल नहीं, जे अज थोड़ा साइज का फर्क पै जाएगा, मतलब गोल नहीं बनया तो कल दोबारा बनावेंगे तो कल नू गोल साइज बन जाएगा। ठीक है जी, तो हुण आपां इसनों पलटी करके तुहानू दिखाउने आ जी। हाँ जी दोस्तों, तो अपना हुण डोसा हो गया तैयार। तो आपां जो आलू आलू मसाला है तो आपां इसनों इस दे विच लगे हां भरन। तो लो जी तुसीं भी अगे टेस्टी वगैरह अपना खाते होने, तो अगे होटलों के खाते होने, तो उस दे नालों चलो थोड़ा ही डिफरेंट होएगा, पर इत आप घर के अपनी मर्जी के नाल मसाला जो कि आलू घट वध पा सकते हैं। तो इदा इसनों करो जी फोल्ड। तो लो जी बिल्कुल तरीके दे नाल इसनों फोल्ड करो। तो हाँ जी, तो अपना ये डोसा बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। लो जी, तो इसनों तुसीं स्नैक्स तौर पर भी खा सकते, क्योंकि आपने असी ने मतलब जो इस दे विच अपना मसाला पहले तुहानूं दस्सिया हैगा भी असी मसाला पा छड्डिया, तो उस दे नाल ये बिल्कुल लज्जतदार टेस्ट है इसका। तो बच्चे बिल्कुल भी तुहानूं इनकार नहीं करनगे, तो एक नहीं दो नहीं चार चार कट्ठे खाणगे। तो इसनों तुसीं अपना लंच बॉक्स जो स्कूल दे विच बच्चियां दा आपां लंच बॉक्स भेजदे हां तो उस दे विच भी पा सकते हो। तो स्कूलों के क्योंकि गर्म करने वास्ते सुविधा होंदी है तो बच्चे सारे नाल गर्म कर लैंदे, अपना आनंद माणनगे। तो लो जी इस तरह असीं हुण सारे डोसे तैयार कर रहे हैं। हाँ जी अगे अगे देखो जी जलवा बिल्कुल क्रंची तो लज्जतदार तुहानूं बना के दिखावांगे असीं डोसा। तो इस तरह बने रहो साढ़े चैनल के नाल। लो जी इसनों साइड तो थोड़ा पलटे दे नाल थोड़ा चेक करते हैं आपां, तो कच्चा होया तो टुट सकता है, इसनों थोड़ा चेक करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ज़्यादा भी जल सकता है, क्योंकि बनन तो बाद अपने आप ही ये तवे नूं सड़ जांदा है। लो जी
हम फिर दोबारा दूसरी साइड पे भी थोड़ा देर तेल लगा देने हैं। लो जी, इसी तरह आपा ने सारे डोसे बना देने ने टेस्टी टेस्टी ते करारे करारे। ते इंजॉय ही जिंदगी है, ते जिंदगी ही इंजॉय है। हंसते खेड़ते रहो ते किसी ना किसी तरीके कोई टैलेंट दिखाओ, ते नाल दे भी खुश रखो ते खुद भी खुश रहो। लगियां डोसा बनाउण ते आपां तवे दे उपर लगाउण लगियां चंगी तरह तेल ते हाँ जी, ते जो अपने पेस्ट बनाया है इसनू आपां कड़छी दे नाल इस तरह चंगी तरह बना देना है। लो जी, हुण इह डोसा बिल्कुल बन चुकिया है। तो इसनू आपां थोड़ा टाइम पकावांगे अग ते। चम्मच दे नाल जो अपना तेल इसके साइडां ते बिल्कुल किनारे ते हल्का हल्का तेल लगाना है। इस दे नाल इसका टेस्ट मतलब नीचे तो चंगी तरह पक जाए तो जलेगा भी नहीं, तो जो कि नाल लग्या हुंदा है तो यह इसनू तवे नू बिल्कुल ही छड्ड देंदा है। तो अपने आप ही ये पकन तो बाद च ते उतरना शुरू हो जाता है, बस थोड़ा कोशिश करनी पैंदी है इसनू उठाउण दी। ते आपां तेल इस दे उपर भी हल्का हल्का लगा दें थोड़ा। लो जी, तेल कोई चक्कर नहीं है, घट वध हो सकदा। लो जी, ये बिल्कुल बन चुका है। ते आपां हुण इसनू पलटे दे नाल पलटी कर रहे हैं, हल्का हल्का इसनू हिलावांगे ताकि ये टुटन तो भी बचाना है। लो जी, एक साइड तो इसनू आपने बिल्कुल ही मतलब सेक ज़्यादा लगाना है, तो दूसरी साइड भी आपू जरूरत पवेगी क्योंकि नहीं तो उपरों कच्चा रह जाएगा। तो इसनू थोड़ा करो पलटी। लो जी, तो हुण भी आपां जरूरत पएगी थोड़ा थोड़ा तेल लगा देने, ज़्यादा नहीं। लो जी दोस्तों, ये लो जी हुण ये डोसा बन के हो चुका तैयार। तो आपां इसनू रखण लगे प्लेट के अंदर। लो जी दोस्तों, तो आपने सिंपल तरीके दे नाल डोसा करया तैयार। तो इस तरह आपने जिन्ना भी पेस्ट बनाया है, जिन्हें डोसे बनाने ने अपने बनाने ने, तो उस तो बाद ते आपा बच्चों तक पहुँचाने, तो बच्चों के जो मन दी रीझा पूरी होनगिया। तो हर रोज़ बच्चों नू कोई ना कोई डिश बना के तुसी भी जरूर दिया करो, बच्चों खुश रखिया करो ते खुद भी खुश रहा करो। कोई गल नहीं, थोड़े टाइम तक लॉकडाउन भी खुल जाना है, ते बहुत वधिया सीख मिल गई है ते सारिआं नूं। ते साफ सुथरे कपड़े पाओ ते अपने घर दे विच वधिया तरीके नाल सफाई रखिया करो। ते अगर कोई बोलदा तां बोलदे रहण दो,
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਫਾਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਆਪ ਹੈਲਦੀ ਬਣੋ। ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਡੋਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਔਰ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ।